हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुक इंडिया टीवी में। तो आज फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं झारखंड की स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ आप लोगों के सामने दुस्का और आलू चने की सब्जी। तो वीडियो में लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बहुत टेस्टी बनने वाला है ये रेसिपी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। दुस्का बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कप कच्चा चावल ले लिया है। जिस कप से मैंने कच्चे चावल लिए थे उसी कप से मैंने आधा कप यहाँ पे चने की दाल ले ली है। तो ये भी साथ में इसको मिक्स करके हम भिगोएंगे। और यहाँ पे 1/4 मैंने यहाँ पे उड़द की दाल ले ली है, धुली हुई दाल है। तो यहाँ पे मेजरमेंट एकदम साफ है। इस कप से हम एक कप चावल लेंगे और आधा कप हम चने की दाल लेंगे और 1/4 यानी एक चौथाई हिस्सा हम उड़द की दाल ले लेंगे। अब इसमें हम पानी डाल के इसको अच्छे से फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ इसमें मैं पानी अच्छे से डाल के अच्छे से इसको वॉश कर लूँगी, फिर इसको मैं फूलने के लिए छोड़ूंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। तो इसको मैंने पानी डाल के 4 से 5 बार इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर पानी डाल के मैं इसको फूलने के लिए छोड़ दूंगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। हमने 4 से 5 घंटे के लिए फूलने के लिए दिया था। ये अच्छे से देख सकते हैं फूल गया ये हमारा। तो इसके पानी को हम छान लेते हैं, फिर इसको हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। तो मैंने इसमें से सारा पानी अच्छे से निकाल लिया है। फूलने से पहले ही मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, तो मुझे दोबारा इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसको मैं मिक्सी जार के अंदर डाल लेती हूँ। तो मिक्सी में हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, और इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अदरक का 1 इंच का टुकड़ा ले लिया है और 4 से 5 हरी मिर्च ली है, ये भी इसके अंदर डाल लेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डालूंगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके हम पीस लेंगे। तो बीच बीच में जब हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा पेस्ट तैयार हो गया। तो इसी तरह से करके हम सारा धीरे धीरे करके पीस लेंगे। तो इस तरह से सेकंड बैच में थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी मिक्स कर दिया है। पहले बैच में मैंने अदरक और हरी मिर्च डाली थी, इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि वो फिर लास्ट में हम सारा एक साथ मिक्स करेंगे। तो इसी तरह से करके सेकंड बैच को भी हम पीस लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं सारा पेस्ट हम तैयार करके। तो देख सकते हैं सारा हमने पीस के पेस्ट अच्छे से तैयार कर लिया है। तो एक बार इसको अच्छे से ना मैं मिक्स कर लूंगी, जो इसमें हमने अदरक और हरी मिर्च जो पीसा था वो भी सारे इसमें एक जैसा मिक्स हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो 1 ग्लास पानी इस्तेमाल किया था, तो देख सकते हैं इसमें इतना पानी बच भी गया है। तो चलिए इसको ढक के हम रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। कम से कम 2 घंटे तक हम इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे। तो जब तक हमारा बैटर रेस्ट पे हमने छोड़ा है, तब तक हम फटाफट से आलू और चने की सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर में ये 6 आलू ले लिए हैं और इसको मैं कुकर के अंदर डाल दूंगी। और यहाँ पे 1 कप मैंने काले चने फुलाए थे, इसको भी इसी के अंदर डाल के एक साथ दोनों को मैं अच्छे से उबाल लूंगी। तो इसमें पानी डाल दूंगी, पानी इतना डालूंगी ताकि ये जो हमारा आलू और चना है वो डीप हो जाए। तो लगभग 2.5 कप के बराबर मैंने यहाँ पे पानी डाल लिया है। अब इसका ढक्कन हम लगा लेते हैं। तो गैस को हम फटाफट से ऑन कर लेंगे और इस पर हम कुकर को चढ़ा देंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम रखेंगे और 2 सीटी आने तक हम चना और आलू को उबाल लेंगे और 2 सीटी आने पर हम गैस को बंद कर देंगे। तो देख सकते हैं 2 सीटी हमने लगा लिया यहाँ पे। अब इसका ढक्कन खोल के हम आलू और चने को बाहर निकाल लेंगे।
पे आलू मैंने कुकर से बाहर निकाल लिया और आलू हमारा ठंडा हो गया तो इसको फटाफट से छील लेते हैं। तो आलू हमने छील लिया, अब इसके छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से फोड़ देंगे हम। आलू को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे इसको। तो यहाँ पे मैंने आलू के टुकड़े भी कर लिए छोटे छोटे। तो चलिए फटाफट से अब सब्जी हम बनाते हैं। तो यहाँ पे गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने ये 1 चम्मच जीरा लिया है, इसको सबसे पहले मैं डाल लूंगी। और यहाँ पे ये तेज पत्ता है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे जीरा हमारा चटक गया है, ये मैंने एक बड़े साइज का प्याज काटा है तो इसके अंदर इसको भी डाल लेंगे। तो हरी मिर्ची साबुत ले रखी है, उसको मैंने बीच में से चीरा लगा दिया है, अब इसको भी इसके अंदर डाल दूंगी। तो यहाँ पे प्याज हमारा थोड़ा सा ब्राउन होने लग गया, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने, तो ये इसके अंदर डाल के इसको भी भून लूँगी। तो देख सकते हैं प्याज का कलर हमारा चेंज हो गया है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी भून गया है। तो अदरक लहसुन कच्चा पल निकलने तक ही उसको हम भूनेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का टमाटर कट किया है, तो इसको भी इसके अंदर डाल के अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ टमाटर भी हमारे थोड़े से गल गए हैं, तो इसके अंदर अब मैं क्या करूँगी कि ये हल्दी लिया मैंने 1/2 चम्मच, ये डाल दूंगी इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, ये भी इसके अंदर डाल दूंगी। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिया, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से आप सबको एक साथ मिक्स करके भून लेंगे। इसको ज़्यादा देर नहीं भूनना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। 1-2 सेकंड के लिए इस तरह से भून लेंगे और फटाफट से इसमें जो हमने आलू और चना जो मिक्स किया हुआ है इसको हम डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने सभी मसालों के साथ लगभग 1/2 मिनट तक मैंने ये सारी सब्जी भून ली है। अब इसके अंदर मैं पानी डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 ग्लास पानी डाला है, तो आप अपने हिसाब से पानी कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा इसको पतला नहीं बनाऊंगी, मैं थोड़ा सा लटपटा ही बनाऊंगी, तो इतना पानी 1 ग्लास काफ़ी है। चलिए इसको अच्छे से ढक देते हैं, इसमें गरम मसाला डाल देती हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने घर का कुटा हुआ गरम मसाला लिया है, तो इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर इसको अच्छे से ढक देंगे। तो चलिए हम सब्जी चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ 5 मिनट तक मैंने सब्जी को पका लिया है। अब इसके अंदर मैं हरा धनिया डाल के सर्व कर लूँगी। तो गैस, सबसे पहले हम गैस को ऑफ कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैं धनिया, बहुत सारा धनिया डाल दूंगी मैं। हम देख सकते हैं सब्जी कितनी देखने में टेस्टी लग रही है। सब्जी तो हमारी रेडी हो गई है, तो चलिए हम फटाफट से जो हमने दुस्का के लिए बैटर तैयार किया है तो चेक करते हैं। तो हमने जो ये बैटर रेस्ट पे रखा था तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़े से कुछ मसाले मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है, तो इसको डाल दूंगी इसके अंदर में। और यहाँ पे मैंने जीरा लिया है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। तो आप चाहें तो जीरा या फिर इसकी जगह पे अजवाइन, जो भी फ्लेवर पसंद करते हो आप उसके अंदर डाल सकते हो।
यहाँ पे मैंने आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है, तो इसको भी इसके अंदर डाल दूंगी। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको नहीं भी डाल सकते हैं या फिर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच हल्दी ले लिया है, ये भी इसको डाल दूंगी। ये कलर के लिए हल्दी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये आधा चम्मच नमक ले लिया है, तो इसमें नमक हम लाइट ही डालेंगे क्योंकि हमें इसे सब्जी के साथ इस्तेमाल करना है। तो नमक मैंने यहाँ पे लाइट इस्तेमाल किया है। अब इसको सबको एक साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसमें मैंने सारे मसाले एक साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए इसको हम डीप फ्राई कर लेते हैं। अगर हमारा बैटर पतला हो जाता है तो हम उसमें चावल का आटा मिक्स करके थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं, और अगर ये हमारा बैटर गाढ़ा हो जाता है तो उसमें हल्का सा पानी डाल के उसको थोड़ा सा हम पतला कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको हम डीप फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे गैस ऑन कर दिया है मैंने, यहाँ पे पैन चढ़ा दिया और उसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है, तो आप जो भी कुकिंग ऑयल खाना पसंद करते हो उसमें आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से करके मैं बारी बारी थोड़ा थोड़ा करके इसको मैं डाल लूंगी। इसको फैला के नहीं डालना है, इसी तरह से एक के ऊपर एक ही डालना है। तो इस तरह से करके हम इसको इसके ऊपर इस तरह से ऑयल को डालते हुए इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो जब पहली बार तल रहे हो तो एकदम से एक बार बहुत सारा ना डालें, एक एक करके ही डाल के इसको डीप फ्राई करें। तो देख सकते हैं धीरे धीरे हमारा कैसे फूलने लग गया है। अब इसको हम पलट देंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे, फिर इसको हम डीप फ्राई करेंगे। देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, ये हल्का सा सुनहरे कलर का हो गया है। तो इसको मैं बाहर निकाल लूंगी। तो इसी तरह से करके बारी बारी सारा हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं सारा जूसका हमने डीप फ्राई कर लिया है। तो चलिए इसको जल्दी से हम सर्व कर लेते हैं। तो देख सकते हैं जूसका हमारा रेडी हो गया है, और यहाँ पे आलू चने की सब्जी भी हमारी रेडी हो गई है। तो साथ में मैंने यहाँ पे धनिया लहसुन मिर्च की चटनी भी साथ में रेडी कर ली है, और थोड़े से मैंने नींबू वाले प्याज रख लिए हैं। तो आप भी इसको अपने घर में बना के इंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी खाने में बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे, और इसी तरह से मैं आपके सामने नई नई रेसिपी बना के लाती रहूँ मैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।